नवसारी में दांतीवाड़ा खाते आजादी अमृतसर महोत्सव में दांडी यात्रा समापन कार्यक्रम में सिक्किम मुख्यमंत्री हाजर रहा था। एटलू ज नहीं, सिक्किम मुख्यमंत्री साथ 100 सिक्किम विद्यार्थी दांडी खाते आया था और गांधीजी बापू सत्याग्रह विषे माहिती मेळवीने धन्यतानी अनुभूति करी हती। जो कि बाद में सिक्किम मुख्यमंत्री दांडी दरिया किनारा मुलाकात लीधी त्यारे अमारा संवाददाताए सिक्किम मुख्यमंत्री साथ खास बातचीत करी हती। दांडी यात्रा समापन ने लईने सिक्किमना मुख्यमंत्री पण हाजर रह्या हता, साथोसाथ विद्यार्थीओ पण हाजर रह्या हता। मुख्यमंत्री हाल दांडीना दरिया किनाराની મુલાકાતે આવ્યા છે, સર ક્યા કહેના ચાહતે હો આપ સુરત મે આયા હે? કેસા લગ પહેલે તો મેં ગુજરાત રાજ્ય કે સંપૂર્ણ જનતા કો મેં બધાઈ દેના ચાહતા હું। જો એ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ કા સમાપન હુઆ, જો કાર્યક્રમ કો 12 તારીખ માર્ચ 2021 કો માનને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ને शुरू किया था, तो आज भारत के उपराष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में इसका संपन्न हुआ। तो ये ऐतिहासिक जगह है, ये मेरी पहली बार है। तो ये जो दांडी में आने समय मिला और मेरे साथ विद्यार्थी भी आए हुए और कल्चर ट्रूप भी आए हुए सांस्कृतिक टोली, इसलिए मैं सब भारतवासियों को गांधी जी का जो संदेश है उसमें चलने के लिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ। सर, गुजरात के विकास के बारे में क्या कहेंगे आप? गुजरात तो देखो अब इतना आगे है और गुजरात के साथ साथ सारे भारत ही आगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी देश में काम हो रहा है, इसके लिए भारत एक दिन विश्व के एक नंबर देश बनेंगे पक्का। तो बहुत दुआ है, स्वच्छ है सूरत को। अगर सूरत को बात करें तो सूरत सबसे क्लीनेस्ट सिटी है और यहाँ का बात करें तो ये भी क्लीनेस्ट गाँव है, विलेज है। आपके साथ स्टूडेंट भी आए, क्या उद्देश्य है? स्पेशली मैंने स्टूडेंट को इसलिए लिया कि अगर वो लोग आएगा तो पूरा जान पाएगा ना, वो लोग किताब में पढ़े थे लेकिन जब यहाँ पर आए तो सीइंग इज बिलीविंग। वो आने के बाद पूरा उनको मालूम चलेगा इतिहास क्या है, तो गांधी जी ने कैसा स्ट्रगल करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई, इसका अनुभव होगा ना, एक देश प्रेम देश भावना उनके मन में जागेगा ना, इसीलिए मैंने उनको लाया। और इसके मेरे साथ बहुत सारे कल्चर ट्रूप भी आए हो। कैमरामैन आनंद गुरु साथे मयूर मिस्त्री सूरत।